देना, पेप्सोडेंट नहीं देना। क्यों नहीं देना? इसलिए नहीं देना कि बच्चे कई बार उसको चाट लेते हैं क्योंकि मीठा मीठा लगता है, और बच्चे चाट लेंगे तो क्या है? तो अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सभी टूथपेस्ट कैंसरस हैं, कैंसर करने वाले केमिकल इनमें मिलाए जाते हैं। और अमेरिकन और यूरोप के मार्केट में ये जो कॉलगेट क्लोजअप आदि बिकते हैं ना, उसमें जो केमिकल डाला जाता है उसका नाम याद रखना, वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट। और सोडियम लॉरेल सल्फेट को केमिस्ट्री की डिक्शनरी में आप पढ़ोगे तो उसके सामने लिखा हुआ है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक माने कैंसरस, माने सोडियम लॉरेल सल्फेट वो केमिकल है जो किसी को भी कैंसर कर देता है। और ये कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट में बहुत मिलाया जाता है। फिर आप बोलेंगे क्यों मिलाया जाता है? झाग बनाने के लिए। कॉलगेट आप घिसो ना, झाग बहुत बनता है। क्लोजअप घिसो, झाग बहुत बनता है। पेप्सोडेंट घिसो, झाग बहुत बनता है, क्योंकि उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट सबसे ज्यादा मिलाया जाता है और ये कैंसरस है। इसलिए अमेरिका और यूरोप में लिखी जाती है चेतावनी, प्लीज कीप आउट दिस टूथपेस्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। फिर दूसरे वाक्य में लिखते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी बच्चे ने ये टूथपेस्ट कर लिया तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना। क्यों? जहर चला गया उसके शरीर में। और आखिरी वाक्य लिखते हैं, इफ यू आर एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। माने आप बड़े आदमी हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में टूथपेस्ट लेना। पी साइज माने चने या मटर के दाने का आधा, इतना ही पेस्ट लेना अपने ब्रश पर, क्योंकि ये खतरनाक है, क्योंकि ये जहर है, क्योंकि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला है। अब देखो अमेरिका और यूरोप में तो ये लिखते हैं, और भारत में क्या करते हैं? टीवी पे जब विज्ञापन आता है कॉलगेट का तो ब्रश भर भर के टूथपेस्ट दिखाते हैं ताकि आप करो और जल्दी मरो। और ये कंपनियां इतनी बेईमान हैं, इन्होंने भारत में रिसर्च कराया कि ज्यादा उनका टूथपेस्ट कैसे बिके, तो किसी ने उनको सुझाव दे दिया कि इसका मुंह जो है ना वो बड़ा कर दो, तो जरा सा निकालोगे फट से पूरा निकलेगा। और ये ट्यूब ऐसी बनाई जाती है जिसमें से निकल तो सकता, घुस नहीं सकता वापस। ऐसे बेईमान लोग हैं ये धंधा करने वाले। माने निकल तो आया, अब आप क्या करोगे? घिसना ही पड़ेगा ना, तो उनका धंधा पड़ेगा। ऐसे बेईमान लोग। इसलिए ये कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट आदि आदि बिल्कुल बहिष्कार कर दो, क्योंकि ये जहर है, कैंसरस है। और दूसरा, इसका पैसा विदेशी कंपनी के हाथ में जा रहा है, 1,802 करोड़ रुपए हर साल जा रहा है। इस पैसे को बचाना है, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बचाना। फिर आप बोलोगे कौन सा पेस्ट करें? ये करो ना अपना पतंजलि योग पीठ का दंत कांति, मंजन भी है और पेस्ट भी है। आपको मालूम है इस दंत कांति की विशेषता क्या है? इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इसको कितना भी घिस लो झाग ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है। और ऐसा ही पेस्ट शरीर के लिए उपयोगी है जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट बिल्कुल ना के बराबर हो या ना हो। उस दृष्टि से ये दंत कांति तो हजारों गुना ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है कॉलगेट क्लोजअप और पेप्सोडेंट की तुलना में। और इसमें तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ये तो खाली पेस्ट नहीं है, इसमें तो जड़ी बूटियां हैं। और एक दिन मैं आचार्य श्री से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि इससे ज्यादा डल नहीं सकती, नहीं तो और डाल सकते हैं हमको। और दंत मंजन तो उससे भी अच्छा है, दंत कांति जो हाथ की उंगली से किया जाता है। हाथ की उंगली से मंजन करना बहुत ज्यादा वैज्ञानिक चीज है, क्योंकि उंगली से जब आप दांत को घिसेंगे धीरे धीरे तो मसूड़ों की मालिश भी होगी। मसूड़ों की मालिश होगी तो खून का प्रवाह बढ़ेगा, मसूड़े मजबूत होंगे। जिनके मसूड़े मजबूत होते हैं दांत उन्हीं के मजबूत होते हैं, और किसी के नहीं हो सकते। तो अगर पेस्ट करना है ब्रश से तो पेस्ट भी है, नहीं तो दंत मंजन करना है तो है। और घर में बना लो, घर में बहुत तरह के औषध दर्शन एक पुस्तक है हमारे इस प्रकाशन की, पतंजलि प्रकाशन की, उसमें आप फॉर्मूले पढ़ लो और दंत मंजन घर में बना लो, कोई मुश्किल काम नहीं। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है, थोड़ा नमक ले लो सेंधा, थोड़ी हल्दी ले लो और सरसों का तेल ले लो, तीनों को मिलाओ, दांत पे लगाओ। दुनिया में इससे अच्छा कोई दंत मंजन नहीं, एकदम ताजा है, फ्रेश है।
रोज बनाओ, रोज लगाओ। और इसके अलावा भी कुछ बेहतर चीजें करनी है तो नीम की दातुन है, बबूल की दातुन है, पाकड़ की दातुन है, करंज की दातुन है। हमारे भारत में तो 12 तरह के वृक्ष हैं जिनकी दातुन की जाती है। और भारत का आयुर्वेद शास्त्र ऐसा अद्भुत है, हर महीने में अलग दातुन कर सकते हैं। चैत्र के महीने में नीम की दातुन करें, फिर दूसरे महीने में दूसरी करें, और हर तरह के वृक्ष आपके आसपास मौजूद है तो दातुन करिए। हाँ, अपामार्ग की स्वामी जी बता रहे हैं सबसे अच्छी दातुन, और अपामार्ग मिल जाएगा तो दातुन करें। और आप जरा हिसाब जोड़ो, ऐसे मेरी तरह से सोचो कि मान लो सारे देश में कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट बिकना बंद हो गया और उतने रुपए का दातुन बिकना शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, कल को हकीकत हो जाएगी ये। सारे देश में दातुन बिके, 1,802 करोड़ रुपए का दातुन बिके, और एक दातुन 50 पैसे का बिके, और हर दिन हिंदुस्तान का एक आदमी एक दातुन खरीदे और 6-7 दिन भी इस्तेमाल करे, तो कम से कम 50 से 55 लाख लोगों को पूरे देश में दातुन बेचने का रोजगार हम दे सकते हैं इन कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट का बहिष्कार करके। अभी मुंबई जैसे शहर में आप जाओ तो रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है। दादर में जाओ, बोरीवली जाओ, कांदीवली जाओ, मलाड जाओ, कहीं भी जाओ, अब मुंबई में दातुन मिलता है स्टेशन पे तो सारे देश में मिल सकता है और लाखों लोगों को रोजगार दे सकता। तो दांत ही साफ करना है ना, मुख्य काम है दांत साफ करना, वो दातुन से होता है, दंत मंजन से होता है, नहीं तो पतंजलि योग पीठ के टूथपेस्ट से होता है, उसमें विदेशी कंपनी का ही क्या है। दिमाग में से ये वायरस निकाल दो कि विदेशी माल में क्वालिटी होती है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि विदेशी माल ही सबसे घटिया होता, क्वालिटी तो होती नहीं है, वो सिर्फ विज्ञापन करके उसको बेचते हैं क्योंकि क्वालिटी नहीं होती उसमें। जितना विज्ञापन ज्यादा, क्वालिटी उतनी घिरी हुई घटिया, क्योंकि खर्चा सारा विज्ञापन में करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं करते। इसलिए आप इसको कॉलगेट का भी बहिष्कार करो। ऐसी एक और बड़ी कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसका भी बहिष्कार करो। ये अमेरिकन कंपनी है और ये भारत में सबसे बड़ी चीज जो बेच रही है ना वो विक्स है। विक्स का नाम सुना, विक्स, गले की खिचखिच, विक्स की गोली ले लो, खिचखिच दूर करो, नाक बह रही है तो विक्स लगाओ, नाक बहना बंद हो जाए, सर्दी और जुकाम माने विक्स एक्शन 500, विक्स डबल एक्शन 500। ये विक्स के नाम से जो भी बिक रहा है ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का माल है, ये अमेरिकन कंपनी है। और इसका माल आप खरीद रहे हो तो सैकड़ों करोड़ रुपए, पिछले साल का इस कंपनी का आंकड़ा है 500 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने धंधा कर लिया विक्स का विज्ञापन करके। और इस कंपनी के कुछ वॉशिंग पाउडर है, एक वॉशिंग पाउडर है एरियल, वो इसी कंपनी का है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, उसे आप कभी मत लेना। और भाइयों से निवेदन है कि इस कंपनी के कुछ रेजर और ब्लेड बिकते हैं, वो भी आप नहीं लेना दाढ़ी बनाने के लिए। और ये कंपनी बहनों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स बनाती है, जो मासिक धर्म के समय आप इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी स्वदेशी कंपनी का ले लेना, इसका नहीं लेना, क्योंकि इसके हाथ में पैसा जा रहा है। मान लो अमरीका पैसा जा रहा है भारत का, तो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी बहिष्कार करो। इसी तरह से मैं कुछ जल्दी जल्दी नाम पढ़ के बता देता हूं, विस्तार में तो नहीं जाऊंगा। एक और बड़ी विदेशी कंपनी है भारत में, उसका नाम है कैडबरीज, ये चॉकलेट बना के बच्चों के लिए बेचती है, ये भी विदेशी कंपनी है, इसका भी बहिष्कार करना है। ये 1947 में जब आजादी मिली तभी देश में घुस गई और एक साल में 1,751 करोड़ रुपए ले लेती है भारत से माल बेचकर। और जब आई थी इस कंपनी ने तो 5 लाख रुपए से धंधा शुरू किया था, इनिशियल पेडअप कैपिटल 5 लाख है और एक साल में 1,751 करोड़ रुपए लूट रहे हैं देश का। और बनाते क्या है, चॉकलेट बनाते हैं। और बॉर्न बीटा आपने सुना है, बच्चों के लिए बॉर्न बीटा, वो इसी कंपनी का। तो ना तो बॉर्नविटा लेना ना इस कंपनी की चॉकलेट लेना। बॉर्नविटा की ताकत क्या है, वो कहते हैं ना विज्ञापन में कि बॉर्नविटा में बड़ी ताकत है और ऐसा करो तो ऐसा खिलाड़ी हो जाओ वैसा करो, ये बॉर्नविटा कुछ नहीं है, मूंगफली की खली है। मूंगफली जानते हैं, उसमें से तेल निकल जाता है ना, तेल निकलने के बाद जो कचरा बचता है वो मूंगफली की खली है बॉर्नविटा। बाजार से खरीदो तो 20 रुपए किलो में मिलती है यहाँ हरिद्वार में, रुड़की में, और वो बेच रहे हैं 200 रुपए किलो।